दशहरे का पावन पर्व एक ऐसा पर्व है जो हमें याद दिलाता है कि जो बाहर दिखता है उतना ही काफी नहीं है, जो भीतर है उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। जो दिखता है कई बार वो बिकता है, लेकिन कई बार जो दिखता नहीं है उसका भी बहुत बड़ा महत्व होता है। एक तरफ इस समय हम रावण का दहन करने जा रहे हैं, यही समय जब सब जगह रावण दहन हो रहा है। रावण का दहन होगा, फिर अगले साल यही शुरुआत होगी, फिर अगले साल होगी, लेकिन इस सब के पीछे जो रहस्य है वो यही है कि समाज में, हम सब के बीच में और खुद में भी एक रावणी प्रवृत्ति बसती है। उसकी अपनी एक बस्ती है, उस बस्ती में वहां लंका थी, तो यहां पर इस बस्ती का नाम लंका ना भी रखें लेकिन लंका से कम नहीं है। ना जाने कितने सारे ऐसे अवगुण हम सबके भीतर बसते हैं। दशहरे के पावन पर्व पर जब हम यहाँ पर दशहरा मना रहे हैं, मैं समझता हूँ रावण का दहन जब हो रहा है तो उस समय आंख बंद करके भावपूर्वक प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मेरे भीतर के रावण का भी दहन हो। सत्ता भगवान श्री राम की हो, रावण की नहीं। रावण जैसा जीवन जीने में प्रभाव तो हो जाता है, लोग प्रभावित भी हो जाते हैं, लेकिन लोग प्रभु भावित नहीं हो पाते। प्रभु भावित होने के लिए तो पूरा जीवन हमें साधना करनी होती है। एक साधना संपन्न व्यक्ति रहा ना कोई कुल रोवन हारा, कोई बचा ही नहीं उसको रोने के लिए भी बाकी। और एक साधना से संपन्न व्यक्तित्व, साधन नहीं थे जंगल में लेकिन केवल साधना थी, उस साधना के बल पर आज भी पूरा विश्व राम की पूजा करते हैं और रावण का दहन करते हैं। बस मेरी यही प्रार्थना है, समझदार के लिए, हम सब के लिए इतना ही काफी है। हम अपने भीतर के रावण को ढूंढते हुए हर वर्ष नहीं बल्कि हर शाम, साल की एक शाम रावण के नाम हो ऐसा नहीं, बल्कि शाम की हर, जीवन की हर शाम भगवान श्री राम के नाम हो। वो तभी होगी जब हर शाम उस रावण का, उस प्रवृत्ति का, ये प्रवृत्ति है, ये वृत्ति है, उसका दहन हो तो बात बन जाती है। प्रभाव तो उनका भी बहुत था, जबरदस्त। रावण बहुत बलशाली था, धनवान था, बलवान था, विद्वान था, लेकिन कुछ चीजों की वजह से आज हर जगह रावण दहन होता है। ये बताता है कि धनवान बलवान होना काफी नहीं है। कई बार धनवान कौन होता है, जैसे उसके पास सोने की लंका थी। अपने यहां धनवान कौन है, जिसकी तिजोरी भरी हो, बंगला बड़ा हो, तिजोरी में धन ज्यादा हो तो अच्छा है। अब तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया, जो था वो भी निकलवा लिया मोदी जी ने, ऑनलाइन हो गए हम लोग। लेकिन ऑनलाइन होने के बाद भी हम लाइन पे आए कि नहीं आए, ऑनलाइन हमारे अकाउंट्स हो जाएंगे, लेकिन हम खुद लाइन में रहें, हमारा अलाइनमेंट जो है जीवन का वो कैसा हो। मेरा अलाइनमेंट जो है, बस मेरा अलाइनमेंट ऐसा हो, उसके लिए एक पंक्ति हमारे यहाँ कही है, रामादिवत वर्तितव्यम ना तो रावणादिवत। हमारा व्यवहार जब एक दूसरे के साथ हो, भगवान श्री राम ने जिस तरह से अपने परिवार के साथ, समाज के साथ, जंगलों और जानवरों के साथ, वनस्पतियों के साथ किया, ठीक उसी तरह से हमारा व्यवहार हो तो हमारा जीवन केवल प्रभावित नहीं होगा, फिर प्रभु भावित होगा। और धनवान वो नहीं है जिसकी तिजोरी भरी हो पैसों से, बल्कि धनवान तो वो है जिसकी तिजोरी प्यार से भरी हो, सत्य प्रेम और करुणा से भरी हो, अहिंसा से भरी हो, ईमानदारी से, वफादारी से, रवादारी से भरी हो। आइए आज के दिन यही संकल्प करेंगे हम सब लोग कि पहला संकल्प, मेरे भीतर के रावण का दहन हो। दूसरा संकल्प, अगर रावण का दहन कर भी रहे हैं बाहर, कम से कम पटाखे नहीं, आतिशबाजी नहीं, प्रदूषण नहीं, प्रदूषण मुक्त रावण दहन करें,
वहां प्रदूषण मुक्त होंगे तो भीतर भी प्रदूषण मुक्त होंगे, और सबका प्रदूषण हमारी सोच में है। आइए गंगा के तट पर हम सब इसलिए हैं, हमारी सोच बदले, हमारी सोच बदले, इसके लिए प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु ही शक्ति प्रदान करें, क्योंकि नहीं तो मन तो अद्भुत है, हर क्षण बदलता है, हर क्षण पैतरे बदलता है, नए नए पसार करता है। इसलिए आइए प्रभु से ही प्रार्थना करें, प्रभु तेरा ही दिया हुआ मन तू ही संभाल, तेरी ही शरण, तेरे ही चरण, तेरा ही आचरण हम सबका आश्रय हो। इसी प्रार्थना के साथ आइए हाथ खड़े करके हम लोग संकल्प करेंगे कि हमारे भीतर का रावण दहन हो, उसके लिए प्रभु से शरणागति के भाव से। अब तो हम संकल्प करते थे, आज ये शरणागति का भाव है, हाथ खड़े करके शरणागति के भाव से, प्रभु आप ही मेरी शरण, इस भाव से प्रार्थना करें। और साथ ही साथ आने वाले वर्षों में हम लोग प्रदूषण मुक्त रावण को जलाएं, ऐसा ध्यान रखेंगे ताकि प्रदूषण ना हो। धन्यवाद।